तो दोस्तों आज हम पहले बात कर लेते हैं मिथफेड के बारे में। शायद आप लोगों को पता होगा GTA गेम में फ्रैंकलिन नाम का एक कैरेक्टर है। तो रिसेंटली मिथफेड रियल फ्रैंकलिन से मिले, तो उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आप लोग भी देखिए। I don't have words right now. Oh my god. What's up, man? can I give you a hug? Hey, man. Shit. So we're missing with you, man. मैं सच्ची बताऊँ गाइस, ये जो गेम में आप फ्रैंकलिन को जानते हो ये वही है जो इन्होंने फ्रैंकलिन का रोल खेला गेम में। 10 साल से मैं गेम खेल रहा हूँ एंड आई कांट बिलीव मैं इनको मिला रियल में। हिज नेम इज शॉन एंड ही इज द रियल फ्रैंकलिन। ओके, इन्होंने रियल फ्रैंकलिन मैन। एंड ये जब मेरे सामने से आए वहाँ से कार से बाहर उतरा, I was like, what? But I got my boy here. Yeah. Look, he got on the Michael outfit. And you gotta remember, you can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. I just wanted to ask you, how is Chop? Chop good, man. Chop good. Chop is at home, he good. He's still shitting everywhere, but it's all good. Suna, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी सेम चीज बोला। चॉप घर पे बैठ के दिन भर बस हकता रहता है। और हाँ, मेरे साथ एक और चीज हुई, मैंने बात की असली माइकल के साथ। इट वॉज लिटरली अ लेजेंडरी मोमेंट, क्योंकि मैंने माइकल का सूट पहना था और मेरे सामने असली वाला माइकल था। ये दिन मैं कभी भी भूलने नहीं वाला, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अब बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है और उस पॉडकास्ट में उनको पूछा गया कि आपने ब्लॉग अपलोड करना स्टॉप क्यों किया। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए टेक्निकल गुरुजी कुछ ये कहा, तो व्लॉग क्यों बंद कर दिया आपने? अरे यार, आलस आता है भाई, आलस आता है। आई विल टेल यू समथिंग, व्लॉग्स का तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या व्लॉग्स स्टार्ट क्यों किए थे ये भी इंटरेस्टिंग है, बताओ। और खत्म मतलब बंद नहीं किए, बंद नहीं किया, थोड़ा कम इनफ्रीक्वेंट हो गया, अभी और आएंगे। अभी आई एम थिंकिंग। मैंने ना एक और चीज़ एक जो नोटिस करी वो ये कि सी यूट्यूब जो है वो मेरा एक यू नो पैशन समझ लो उस चीज़ को जो मैं कर रहा हूँ। व्लॉगिंग तो उसका भी सबसेट हो गया, उसका भी सबसेट हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। मैं घर में सोता कहाँ पे हूँ या कैसे सोता हूँ या कैसे घर में रहता हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने कोशिश ये करी है और इसीलिए व्लॉग्स थोड़ा कम करने का रीजन एक थोड़ा ये भी है, प्राइवेट लाइफ। मुझे लगता है कि यार मतलब थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन रखते हैं उस चीज़ में, क्योंकि यूट्यूब इज नॉट माई यू नो, अगर हो सकता है फुल टाइम होता तो यू नो I would have tried कि भाई मैं सब कुछ ही करूं, बट वो कभी नहीं किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज हर्ष बेनियाल के बारे में। बहुत सारा लोग हर्ष बेनियाल को न्यू वीडियो के बारे में पूछ रहे थे। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए हर्ष बेनियाल एक इंस्टाग्राम टूरिस्ट पोस्ट किया जहाँ पर उन्होंने कुछ ये कहा, गाइस बहुत लोग पूछ रहे हैं वीडियो कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो पे काम चालू हो चुका है और कुछ दिनों में हम शूट कर देंगे। और लेट इसलिए हो गए कि ये देखो ये सब हमारे ऑफिस की हालत है। अभी हम कुछ सेटअप नहीं कर पाए और शिफ्टिंग में बहुत बिजी हो गए थे। तो काम चालू हो चुका है, कुछ दिनों में शूट होगा और आपको फिर वीडियो देखने को मिलेगी। और थोड़ी मस्त वीडियो है इस बार की और थोड़ी लंबी भी होगी। मतलब बहुत लोग कहते हैं लंबी वीडियो डालो और डालो और डालो, लो भाई लंबी डाल रहे हैं इस बारी, तो मज़े लेना वीडियो के। और कुछ टाइम बाद जब ये सेटअप हो जाएगा फिर आपको वापस रेगुलर वाला हर्ष बेनीवाल देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ओके, लव यू। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।